आज आपसे वचन देकर जाता हूँ, जब तक रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदा है, मेरी बहन शैलजा और हम दोनों मिलकर लड़ते ही रहे। हमें किसी से भी लड़ना पड़े, आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। विधानसभा चुनावों का दौर जारी है और कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन से कुमारी शैलजा गायब हैं। वैसे कांग्रेस की गुटबाजी तो जग जाहिर है, लेकिन कुमारी शैलजा का हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान प्रचार में ना दिखाई देना बहुत कुछ बोल रहा है। वहीं आज कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शैलजा को लेकर इशारों में बहुत कुछ बोल गए। रणदीप सुरजेवाला ने आक्रामक तेवर इख्तियार करते हुए कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, जब तक रणदीप सुरजेवाला जिंदा है, मेरी बहन शैलजा और हम दोनों मिलकर लड़ते रहेंगे। आपके अजीज आदित्य सुरजेवाला को देंगे, वो बाबा साहब की सीख को मजबूत करेगी और मुझे ताकत देगी और आपके इस अजीज को ये ताकत देगी कि वो मिलकर आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ सके। मैं आज आपसे वचन देकर जाता हूँ, जब तक रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदा है, मेरी बहन शैलजा और हम दोनों मिलकर लड़ते हैं ये लड़ाई। जब तक हम जिंदा हमें किसी से भी लड़ना पड़े, आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, ना हमारे आरक्षण की तरफ, ना हमारी कल्याणकारी योजनाओं की तरफ। और जिस दिन आपके भाई के हाथ में कलम आ गई, उस दिन मैंने बता दिया दो तो ये करके दिखाऊंगा और मेरे मन में ही है क्या क्या करके दिखाऊंगा। सुरजेवाला ने कहा कि जब तक हम जिंदा हैं, हमें किसी से भी लड़ना पड़े, आपकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, ना हमारे आरक्षण की तरफ, ना हमारी कल्याणकारी योजनाओं की तरफ। सुरजेवाला ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस दिन उनके हाथ में कलम आ गई, वो अपनी बात को साबित करके भी दिखाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सुरजेवाला ने ये सब कहा तो किसे कहा? क्या हुड्डा को कहा? क्या बीजेपी को कहा? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि सुरजेवाला की ये चेतावनी आखिर किसके लिए है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।